हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो जुमले बेहद ही लोकप्रिय और चर्चा में रहते हैं। पहला, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और दूसरा, आरएसएस मुक्त भारत का। ये दोनों ही दावे कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए थे, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता, वक्त के साथ बदलना होता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बेहतर इसका कोई दूसरा मिसाल नहीं हो सकता। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आरएसएस के प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात और लंबी बातचीत हुई है। सीएम से आरएसएस नेताओं की ये गोपनीय मुलाकात पटना स्थित उनके सरकारी आवास में हुई है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल आरएसएस के नेताओं से सीएम नीतीश कुमार की ये मुलाकात इतनी गोपनीय थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं लग सकी। इस मुलाकात की खबर ना तो बीजेपी के वरीय नेताओं को और ना ही जेडीयू के वरीय नेताओं को थी। यहां तक कि सीएम आवास और आरएसएस की तरफ से भी इस मुलाकात की जानकारी किसी को नहीं दी गई। संघ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रामलाल और रमेश पप्पा दो दिनों से पटना दौरे पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम नीतीश हमेशा से आरएसएस की विचारधारा के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं और संघ मुक्त भारत की कल्पना भी कर चुके हैं। ऐसे में आरएसएस नेताओं से उनकी इस मुलाकात के बाद सियासी हलके में भी सवाल उठने लगे हैं। हाल के दिनों में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह समेत संजय पासवान जैसे बीजेपी नेताओं के भी तेवर नीतीश के खिलाफ तल्ख और उग्र रहे हैं। ऐसे में इस बैठक को जेडीयू बीजेपी संबंध को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात से पहले आरएसएस सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने रविवार को बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के सरकारी आवास पर आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने की। कहा जा रहा है कि मीटिंग में कई मंत्रियों के अलावा आरएसएस और बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने बीजेपी नेताओं और आरएसएस के बिहार से जुड़े कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई टिप्स दिए। दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस को लेकर सीएम नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन दरअसल उनकी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक सत्ता और राजनीति में बचे रहने के लिए नीतीश कुमार के सामने अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। ऐसे में वे अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं तो आरएसएस की उंगलियों पर नाचना तो पड़ेगा ही। हम आपको बता दें कि आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही नीतीश कुमार के साथ किसी समझौते से साफ साफ
इनकार कर दिया है। इस बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्ख रिश्तों की कहानी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि रामलाल नीतीश कुमार के ताड़नहार साबित हों, क्योंकि आरएसएस से बीजेपी में आए रामलाल यहां संगठन मंत्री हुआ करते थे, अब वे वापस आरएसएस में लौट गए हैं। लेकिन संगठन मंत्री के तौर पर सीएम नीतीश कुमार के साथ बने उनके रिश्ते आज भी कायम है और खबर है कि गाहे बगाहे दोनों में बातचीत होती रहती है। वहीं रामलाल के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में रामलाल नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बेहतर संबंध बनाने का काम कर सकते हैं। जाहिर है रामलाल के इस प्रस्ताव को सीएम नीतीश कुमार भी ठुकराने का राजनीतिक हैसियत फिलहाल नहीं रखते, क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हें लगातार चुनाव मैदान में अकेले उतरने की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ बड़ी मजबूरी है कि बीजेपी का दामन थामे रखें। सीएम नीतीश कुमार और आरएसएस नेताओं के बीच की बैठक के बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस जैसे जहरीले मनुवादी जातिवादी और बिहार में उनकी समाज तोड़क नफरती नीतियों को लागू करने की खुली छूट देने वाले उनके पुराने मित्र नीतीश जी किसके डर से आरएसएस से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि आज आरएसएस से उनकी गुप्त रहस्यमयी बैठक में उन्होंने अपने नैतिक सामाजिक और राजनीतिक परामर्शी संगठन आरएसएस के क्या क्या दिशा निर्देश प्राप्त किए हैं, या फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने मार्गदर्शक संगठन आरएसएस के साथ मिलकर अल्पसंख्यकों को ठगने एवं भ्रमित करने का कोई नया षड्यंत्र कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।